हाय दोस्तों, इट्स अ लॉन्ग टफ डे। थकान बहुत ज़्यादा होती है यार, क्योंकि ना ऑफिस से फिर कॉलेज, कॉलेज से फिर वापस करके मोस्टली हो क्या रहा है कि यहाँ पे थकान इतनी है कि या तो तुम पढ़ाई चूज़ कर सकते हो या फिर सोना, और रेस्टिंग वाला पॉइंट अभी तक ना हो नहीं रहा, और तीन चार चीज़ें मैनेज भी नहीं हो रही कि एक साइड आप तेलुगु सीख रहे हो जिसका टेस्ट है, दूसरे साइड आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तीसरे साइड आप ऑडिटिंग के कुछ पार्ट पढ़ रहे हो, चौथे साइड आपने लॉ की किताब उठा रखी है या फिर कोई मैंने पॉलिटिक्स रेटर उठा कर, तो ऐसे में हो क्या रहा है कि दो पन्ने, चार पन्ने, पांच पन्ने पढ़ पा रहा हूँ, और वो उसका वीडियो बनाने का कोई सेंस भी, मतलब मैंने कि जब तो मैं पढ़ाई स्टार्ट कर वो वर्म अप फेज होता है वहीं पर थकान आ जाती है। तो इट्स बीन इन गोइंग ऑन टफ डेज, बट परसिवरेंस, दैट्स व्हाट दे से, परसिवरेंस और आपकी हार्ड वर्क ही है जो एट द एंड आपको रिजल्ट देती है। बिकॉज थैंक गॉड फॉर दिस होल थिंग कि मैं अभी भी अपनी किताबों के टच में हूँ, आई नो ऑन विच पेज व्हाट इज मेंशन, और अगर मैं गवर्नर का कोई न्यूज़ में पढ़ लेता हूँ तो गवर्नर कहाँ मिलेंगे मेरे को। जैसे कि अब आज इलेक्शन स्टार्ट हुए और आज मतलब इलेक्शन की काउंटिंग एंड हुई, तो मुझे नहीं पता बाकी लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, बट मैं फुल्ली पढ़ाई के पर्पसेस को ऐसा देखूँ कि कुछ बातें ये चल रही हैं कि एक पार्टी को स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी अब उसको दर्जा मिल जाएगा शायद, कि वो उस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियली। सो फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव मेरे लिए होता है कि नेशनल पार्टी का दर्जा किसी को कैसे मिलता है, और फॉर दैट मैटर स्टेट पार्टी का दर्जा भी कैसे मिलता है, और कई बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस का चला जाएगा, तो वो कांग्रेस का जाएगा तो मतलब जा कैसे सकता है, कैन इट बी रिमूव, हाउ के, मतलब एक बार आपको अगर नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया तो वो हटेगा कैसे। ये पॉइंट है, तो मैंने सोच के रखा था कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बार दोबारा से पढ़ूंगा, नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी के जो रूल्स हैं वो भी एक बार दोबारा देख रहे हैं, बट फॉर दैट आई हैव अगेन वन मोर थिंग आई हैव टू डू इज एक स्टैटिस्टिक के कुछ मेथड्स हैं, रिसर्च मेथड्स हैं, उन पर थोड़ा सा छः सात क्वेश्चन हैं जो जिनको प्रिपेयर करना है, तकरीबन 20-30 पन्ने के नोटबुक है जो पढ़ के सबमिट करने हैं, तो दैट इज़ वन मोर थिंग टू बी डन। उसके अलावा न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है, दैट्स ऑल व्हाट आई एम डूइंग एज ऑफ टुडे, यही चल रहा है, यही सब, मतलब घुमा फिरा के थकान हो जाती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे, हाथ आपके इधर उधर फैले हुए हैं, हर चीज़ फैली हुई है, बट फोकसली यू कॉन्ट टेल ऑन विच साइड यू आर, सो आई कॉन्ट से विच साइड माई प्रिपरेशन इज गोइंग, बट इट इज़ गोइंग एंड दैट इज़ द ओनली पार्ट दैट आई कैन से यस इट इज़ गोइंग ऑन। उसके अलावा नथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू इन द एंटायर थिंग, ऑफिस, ऑफिस, घर, खाना, किताब, पढ़ के अपना एक कुछ पॉइंटर्स बना लेते हैं, ठीक है, और उनको हम आपस में डिस्कस करेंगे, इससे हमको स्पेसिफिकली पता भी होगा कि हमने क्या करना है। आई फील इज कि हम इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस के माइंड मैप बना लेते हैं और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के, क्योंकि आपने तो दोनों चैप्टर पढ़ लिखे हैं, तो फिर दोनों चैप्टर के ही क्वेश्चंस के माइंड मैप बना लेते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस इट टुमारो। सो अभी आई थिंक मई और जून के आसपास, जून में जैसे ये एग्जाम भी है, इसके साथ साथ हमारे साइकोलॉजी के एग्जाम भी स्टार्ट होंगे, तो अभी दिन का एक घंटा देना स्टार्ट किया मैंने, रात को 9 से 10 बजे तक क्लास लगाएंगे एक चैप्टर की, डेली डेली एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो तो मेरा हो ही जाएगा, तो उसमें दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, वो मैं अभी वही कर रहा था, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है साइकोलॉजी के बारे में, तो इट वॉन्ट बी अ बिग इशूज फॉर मी, राइट, टू बी डन।